दोस्तों, रियल स्टेट इंडस्ट्री को कौन चलाता है? आपने बहुत ठीक सुना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं कि रियल स्टेट इंडस्ट्री को कौन एग्जैक्टली चलाता है। अगर आप इस राज को जानना चाहते हैं, अगर आप इस सीक्रेट को जानना चाहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इंडस्ट्री एग्जैक्टली चलती कैसे। रियल स्टेट गेम चेंजर्स हमारी बुक है जो नेशनल बेस्ट सेलर बनी हुई है, जब से लॉन्च हुई है लास्ट 4-5 मंथ्स। ये सब हुआ है आपके प्यार की वजह से, इसलिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रियल स्टेट इंडस्ट्री को कौन चलाता है। ये सवाल जब किसी भी रियल स्टेट में काम करने वाले व्यक्ति या एक नॉर्मल इन्वेस्टर या इस पूरे वर्ल्ड में किसी के भी मन में जब आता है, तो एक सवाल उठता है कि कौन हो सकता है। क्या कोई बहुत बड़ा बिलियनियर, मिलियनियर या कोई बहुत बड़ा नाम हो, वही लोग इंडस्ट्री को चलाते हैं? क्या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होने की वजह से या किसी भी तरह के लोग जो फंडिंग करते हैं, क्या वो रियल स्टेट इंडस्ट्री को रियली चलाते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो रियल स्टेट इंडस्ट्री में प्ले करते हैं, नो डाउट, वो है बिल्डर्स, डेवलपर्स और उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज है जो इन्हें सपोर्ट करती है, इनके डॉक्यूमेंटेशन को चेक करना, लीगल प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन करना, ये सब रियल स्टेट इंडस्ट्री का एक इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते ही है। रेरा अथॉरिटी मेंबर्स, अलग अलग स्टेट की अलग अलग सैंक्शनिंग बॉडी अथॉरिटी मेंबर्स, जितने भी लोग बड़े बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो इस पूरे पिरामिड के बॉटम लेवल पे 60-70% लोग होते हैं, वो कौन है? वो लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल पूरी एंटायर रियल स्टेट इंडस्ट्री में प्ले करते हैं, जो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है फॉर बिल्डर्स, फॉर डेवलपर्स, फॉर एंटायर रियल स्टेट कम्युनिटी इंडस्ट्री, वो है चैनल पार्टनर्स। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आप चैनल पार्टनर्स कह लीजिए, आप अच्छे एजेंट्स कह लीजिए, आप रियल स्टेट एडवाइजर्स कह लीजिए, आप मार्केटिंग एजेंसी ओनर्स कह लीजिए, या आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी कह सकते हैं अगर मैं बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज की बात करूं। ठीक है, अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो चैनल पार्टनर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एंटायर इंडस्ट्री। अब ये कैसे पॉसिबल है, इसलिए मैंने आपसे कहा था वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब मैं आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, प्रोजेक्ट के कैलकुलेशंस के साथ, बिल्डर्स की लाइफ की स्टडी के थ्रू समझाता हूं कि कैसे ये जो चैनल पार्टनर्स है, ये जो एजेंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये इस इंडस्ट्री के फ्लो को चलाते हैं, ये इस इंडस्ट्री में कैश फ्लो को चलाते हैं, ये इस इंडस्ट्री में आने वाला फंड रोटेट करने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नो डाउट, जब आप एक बहुत अच्छे बिल्डर है, बहुत अच्छे डेवलपर है, आपके पास इनहाउस टीम भी है, एक लेवल तक आप अपने इनहाउस टीम के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी सच है और फैक्ट है, बड़ी से बड़ी एमएनसी जो 10,000-20,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर कर रही है, उनका भी अगर 80% सेल आप देखेंगे, 10-20% सेल हो सकता है उनकी डायरेक्ट टीम करती हो, लेकिन 70-80% सेल बड़े से बड़े प्लेयर्स, कितने भी बड़े ब्रांड के देश में बात कर लीजिए, उनके लिए ये चैनल पार्टनर्स ही सेल करते हैं, पैसे का फ्लो को रोटेट करते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है, कैसे होता है, ये प्रोसेस को भी थोड़ा समझिए कि कैसे चैनल पार्टनर्स, अगर मैं कॉमन टर्म की बात करूं तो, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कैसे इस इंडस्ट्री को चलाने में मदद करते हैं। मान लीजिए कि किसी एक बिल्डर ने 50 एकड़ का या 100 एकड़ का लेआउट डाला, बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी हो, मान लीजिए कि एवरेज प्लॉट साइज, टिकट साइज वहां पर 50 लाख से 75 लाख रुपए का हो, और ऐसे कम से कम 500 से 600 प्लॉट्स वहां पर हो, सो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर वहां पे मिक्स यूज प्लॉट्स भी हो, मान लीजिए 1-1.5 करोड़ के, और बड़े कमर्शियल प्लॉट्स भी हो 2-3 करोड़ के, तो एवरेज अगर उनका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 600-700 करोड़ हो, और अगर इसका 80% मैंने आपसे कहा कि चैनल पार्टनर के थ्रू सेल होता है, तो 400-450 करोड़ का आउट ऑफ 600-700 करोड़ जो सेल निकलता है, जो पैसे का फ्लो होता है, वो चैनल पार्टनर्स के थ्रू होता है। आप इसे रिसर्च कर सकते हैं, आप गूगल पे जाइए, हर जगह चेक कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये चैनल पार्टनर्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और दोस्तों, अगर आप एक चैनल पार्टनर है तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, इस वीडियो को इमीडिएटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं ये वीडियो कई चैनल पार्टनर्स तक, देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में पहुंचे, कि आप कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो उस इंडस्ट्री। तो अब
क्योंकि आप एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो। ये बहुत जरूरी भी है कि चैनल पार्टनर खुद को डेवलप करे, खुद को ट्रेन करे, खुद की लीडरशिप क्वालिटीज, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन स्किल, साइट डेवलपमेंट, क्लोजिंग, इन सब बहुत सारी चीजों पे आपको भी काम करना जरूरी है। लेकिन चैनल पार्टनर तक तब ये वीडियो पहुंचेगा तब आपको समझ में आएगा कि आपका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अब अगर एक लेआउट का प्रोजेक्ट, एक प्लॉटेड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट 600-700 करोड़ का मैंने आपको बताया, उसमें अगर 80% 75-80% एवरेज अगर चैनल पार्टनर सेल करते हैं तो 450-500 करोड़ का टर्नओवर का फंड फ्लो कंपनी में होता है बिकॉज ऑफ चैनल पार्टनर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब हम एक लोकल लेवल पे भी बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई नॉर्मल बेटर भी हो, किसी एक दो सिटीज में ही काम चल रहा हो, थोड़ा छोटा टर्नओवर कंपेयर टू एमएनसी। अब इनका कोई 5 या 10 एकड़ का टाउनशिप का प्रोजेक्ट है जिसमें 400 से लेकर 1000 फ्लैट बनने वाले हो एवरेज मान के चलता हूं, और एक फ्लैट का जो एवरेज कॉस्ट है वो मान लीजिए 75 लाख से 1.25 करोड़ के बीच में है, तो हम उसे पकड़ लेते हैं कि 1 करोड़ का एक सिंगल यूनिट है। अगर 400 फ्लैट भी आने वाले हैं दोस्तों तो 400 करोड़ का टर्नओवर, और अगर 1000 फ्लैट आने वाले तो 1000 करोड़ का टर्नओवर। अगर इसका एवरेज 70-80%, और कभी कभी अगर चैनल पार्टनर प्लस होल लेवल पे काम करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी सिटीज आपने देखी होगी, यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स है हमारे देश में, चैनल पार्टनर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के रूप में न जाने कितने 1000 करोड़ का टर्नओवर वो कर रहे हैं, भले वो रिकॉर्ड होता होगा बुक्स में बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के, पर वो सेल इनके थ्रू होता है। तो इतना बड़ा रोल, इतना इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहा है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इस इंडस्ट्री को रियली में कौन चला रहा है उनके बारे में समझने के लिए ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। तो चैनल पार्टनर अगर उस टाउनशिप में जहां पर 600-500 फ्लैट आ रहे हो, 1000 फ्लैट आ रहे हो, वहां 70-80% भी सेल कर देता है, तो 400 करोड़ का 70-80%, 300-320 करोड़ एवरेज, 1000 करोड़ का 70-80%, 700-800 करोड़। आप बड़ी सिटीज में देखिए कई बड़े बड़े चैनल पार्टनर है, 200-500 हजार लोगों का टीम है। इनफैक्ट जो बड़ी कंपनीज है उनके पास खुद के सेल्स के एम्प्लॉइज भी, तो उनके अंडर चैनल पार्टनर्स काम करते हैं, क्योंकि चैनल पार्टनर लोकल एनवायरनमेंट को जानते हैं, क्योंकि चैनल पार्टनर लोकल लोगों के ट्रस्ट फैक्टर को समझते हैं, चैनल पार्टनर लोगों के बाइंग बिहेवियर को थोड़ा थोड़ा समझते हैं, और वो आप तक सही क्लाइंट को लेकर आते हैं, तभी किसी कंपनी को अच्छा सेल मिलता है। इसलिए अगर सही मायने में देखा जाए तो नो डाउट बिल्डर्स, डेवलपर्स, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों, कि चैनल पार्टनर्स का भी बहुत बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट रोल है रियल स्टेट इंडस्ट्री को बढ़ाने में, रियल स्टेट इंडस्ट्री की ग्रोथ में। क्योंकि जब रियल स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चीजें ग्रो होती है तभी कोई देश ग्रो होता है, नेशन ग्रो होता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि कैसे चैनल पार्टनर एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल रोल प्ले कर रहा है, कैसे वो एक बिल्डर के, एक डेवलपर के टर्नओवर में मैक्सिमम रोल प्ले कर रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है चैनल पार्टनर का भी खुद को अपग्रेड करना, खुद को ट्रेन करना, खुद को वो लेवल पे ले जाना कि वो एक बहुत अच्छा बिजनेस कर सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका 100 का टीम है, 500 का टीम है, या 10 का टीम है, या 2 लोग ही है आप दो लोग होते हुए भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ चैनल पार्टनर जुड़ सकते हैं। लेकिन जितना आप खुद को अपग्रेड करेंगे, जितना आप खुद को ट्रेन करेंगे, उतना जल्दी आप ग्रो करेंगे, आपका टर्नओवर ग्रो करेगा, आप अपने ड्रीम्स, अपने डिजायर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों मैंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कई ऐसे बिल्डर्स को देखा है, कई ऐसे चैनल पार्टनर्स को देखा है जिनके साथ हमने काम भी किया है, कि उन्होंने सोचा तो था कि 2-3 साल के अंदर उनका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, पर 5-5 साल वो प्रोजेक्ट चला, वो प्रोजेक्ट खत्म ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनकी लायबिलिटीज बढ़ने लगी, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा, प्रोजेक्ट लॉस में जाने लगा। सो क्यों हम बार बार आपको बता रहे कि चैनल पार्टनर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास सही चैनल पार्टनर है, ट्रेन चैनल पार्टनर है, कॉम्पिटेंट चैनल पार्टनर है, कैपेबल चैनल पार्टनर है, तो आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक एग्जांपल लेते हैं, कोई बिल्डर या डेवलपर ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसके बाद बहुत बड़ा इन्वेंटरी साइज है, लेकिन उसके बाद अच्छे चैनल पार्टनर्स की टीम ही नहीं है, या मान लीजिए बिल्डर का ट्रस्ट, ब्रांड नेम ज्यादा अच्छा नहीं है, तो कोई चैनल पार्टनर उनसे जुड़ना नहीं चाह रहा। उस केस में सोचिए कि अगर बिल्डर ने सोचा कि मैंने जितना भी प्रोजेक्ट लोन लिया है मार्केट से, जितना भी ओवरड्यू लोन बोरोइंग की है, ये मैं 2 साल में चुका दूंगा क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट बिक जाएगा, पर अगर बिके ही ना तो ये गड़बड़ है बाबा। अगर मान लीजिए 2 साल की जगह प्रोजेक्ट 5 साल चल गया, तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं अगर सही चैनल पार्टनर्स आपके पास ना हो तो। इसीलिए मैंने आपसे बार बार कहा कि चैनल पार्टनर इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कौन है जो रियल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे पूरी इंडस्ट्री के फंड के फ्लो को फ्लो होने में मदद करते हैं, वो है असली मायने में चैनल पार्टनर्स। इसलिए अगर आप चैनल पार्टनर्स हैं तो ये वीडियो को शेयर करना ना। तो अगर आपको लगता है कि आपको भी एक टॉप क्लास चैनल पार्टनर बनना है, या इन फ्यूचर अभी जो आप स्टेट पे काम करें उसे 3 गुना 5 गुना बिजनेस करना है, तो आप रियल स्टेट गेम चेंजर चैंपियन प्रोग्राम के बारे में हमारे बोर्डलाइन मेंबर्स पे फोन करके पता कर सकते हैं। एक ऐसा देश का प्रोग्राम जिसने न जाने कितने सक्सेसफुल चैनल पार्टनर्स क्रिएट किए, जिनके सक्सेस टेस्टिमोनियल वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्रोफाइल पे मिल जाएंगे।
तो दोस्तों अभी तक जो आपने प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही रियल स्टेट से जुड़े बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वीडियोस, केस स्टडी अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक जो प्यार दिया है, जो सपोर्ट आपने किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।